distance is also denoted by S sometimes. Distance, displacement are also denoted by S. Okay. So, and now we have for average velocity, first of all, average speed, we have formula total distance traveled upon total time taken. Okay. Okay. Average velocity. Total displacement upon total time. Okay. Total displacement upon total time. Okay. There is one more formula for average velocity. Lekin wo kisi special case mein hota hai. Basically, when velocity of an object, when velocity of an object is changing at uniform rate. Average velocity is given by initial velocity plus final velocity upon 2. Okay. So, when velocity of an object is changing at uniform rate, average velocity is given by initial velocity plus final velocity upon 2. Okay. अब ये uniform rate से क्या मतलब है? I'll give you one example. Suppose कोई train है, okay? इसका different time 8 a.m., 8:15 a.m., 8:30 a.m., 8:45 a.m. and 9 a.m. इन डिफरेंट टाइम स्पेस की वेलोसिटी हमको दे रखी है ओके वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर इज गिवन ओके सो हियर एक्चुअली इफ सपोज दिस डाटा इज गिवन दिस टाइम इज गिवन दिस वेलोसिटी इज गिवन सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट आफ्टर एवरी 15 मिनट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग at rate of 6 kilometers per hour. ठीक है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट या तो किसी एक रेट से डिक्रीज हो रही है या फिर किसी रेट से इंक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट तो जब भी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 Initial velocity is 36, final velocity is 60. So average velocity is equal to 36 plus 60 upon 2. Okay. So it is 96 by 2. That is equal to 48 kilometers per hour. Aaya, isme kuch samajh mein aaya? Humne kya discuss kiya? Pehle humne dekha average speed. Average speed is total distance upon total time. Ek general formula. Average velocity, total displacement upon total time. अब एक specific condition है. Specific condition क्या है? Velocity of a object is velocity of a object is changing at uniform rate. Then average velocity is given by initial velocity plus final velocity by 2. Okay? So if some data is given, तो मैंने ये actually ये data इसलिए लिखा है ताकि तुमको पता चले कि uniform rate का मतलब क्या है. कहीं पे भी रेट का मतलब होता है एक्चुअली डिवाइड बाय टाइम तो कोई भी चीज अगर टाइम के साथ इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है तो उसको यूनिफॉर्म रेट बोलते हैं ओके इक्वल टाइम के साथ इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है तो उसको यूनिफॉर्म रेट बोलते हैं नाउ कमिंग टू यस बोलो कंपल्सरी अगर यूनिफॉर्म रेट में हो तो यही वाली वो यूज करना है हाँ यूनिफॉर्म रेट हो तभी ये यूज करना है ठीक है मैम पर उसमें अगर वो वाला यूज करा तो वो एक्चुअली क्या है कि वो क्वेश्चन ही ऐसे दिया होगा जब यूनिफॉर्म रेट होगी तभी तुमको ऐसे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी होगी
ठीक है, अदरवाइज वो वाला यूज करना जनरली डिस्प्लेसमेंट या ऐसा दिया होगा. लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या है. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इन द बिगिनिंग ओनली. ओके, नाउ कमिंग टू न्यूमेरिकल ऑफ योर बुक. सो एग्जाम्पल 8.2. ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर. ओडोमीटर की स्टार्टिंग रीडिंग क्या है? 2000 किलोमीटर. एग्जाम्पल 8.2 पेज 102. ओके, स्टार्टिंग रीडिंग इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर. ओके, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. एंड रीडिंग इज 2400 किलोमीटर. ठीक है, इफ ट्रिप टुक 8 आवर, time taken is 8 hours, calculate the average speed. Average speed is equal to kya hota hai average speed ka formula? Total distance upon total time taken. Total distance kya hoga? 400 kilometer. Okay. And okay. So it is 400 kilometer and 8 hours. To ye ho jayega 50 किलोमीटर पर आवर. दिस यूनिट ऑल्सो शुड बी रिटन विद इन ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल. ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके, इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस स्पीड टू मीटर पर सेकेंड. ओके, इट इज आस्क्ड दैट कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. सो 50 किलोमीटर पर आवर वेन कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकेंड, 50 into 1000 upon 60 into 60. Okay? Kilometer per hour when converted to meter per second, this is multiplied. 1000 is multiplied and 60 into 60 is divided. Is it clear? So, do this calculation and tell me what is the answer. 500 divided by 6. What is the answer? Divided. Ma'am, 500 upon 36. 53.33. 500 divided by 36. Yes, ma'am. Divided by 36. Lakshya, is somebody doing for you? कोई कैलकुलेटर से करके बता रहा है? No, ma'am. तो क्या हो रहा है? Are you solving it yourself? Yes, ma'am. So tell me the answer. Yes. Ma'am. Thirteen 13.89 answer will come. Yes, ma'am. Okay. Now ma'am, next. Okay, ठीक है.
Next example. So I'll start, take a new slide. Example 8.3. पेज नंबर 102, ठीक है. क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल. एक पूल है, ये 90 मीटर है. ओके, उषा स्विम्स इन 90 मीटर. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. Okay, so basically this is a pull. Okay, so Usha, a girl, she starts from here. Go from A, she starts, goes to B and comes back to A. Okay, so and it is said that in 1 minute. Okay, so we have to find average speed and we have to find average velocity. Okay, average speed is, what is the formula of average speed? Average speed is total distance upon total time. Okay, total distance traveled upon total time taken. What is total distance traveled? Ma'am, 180. 180 meter. Okay. Total time taken in seconds. Agar distance meter mein hai, toh time better represent karo seconds mein. Okay. So, टोटल टाइम इज 60 सेकेंड्स, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हुई? 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यस मैम. अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ऑल्सो करेक्ट. हम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर वो ए से स्टार्ट करेगी, बी पे जाएगी और वापस बी से ए पे आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो. ठीक है, तो टाइम इज 60, सो दिस विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. यस मैम. ओके, नाउ शुड आई डिस्प्ले द सॉल्यूशन मोर और यू हैव डन इट? मैम वन लास्ट. कंप्लीट कर लो इसको. मैम इफ इट वाज इन किलोमीटर्स देन, तो किलोमीटर पर आवर कर देते हैं हम. तो अगर 1 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 1 / 60. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. Next, acceleration. New word. Okay, acceleration. So acceleration is actually change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time is called acceleration. ठीक है. Yes, ma'am. अब suppose velocity of an object was समथिंग इनिशियल वेलोसिटी. कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी शुरू में कोई वेलोसिटी है, तो लेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
be u at beginning. So it is called initial velocity. U, that is initial velocity. Okay. And after time t, velocity of object is v. Suppose that is final velocity. Okay. Then acceleration is given by final velocity minus initial velocity upon t. Acceleration hota kya hai? Change in velocity upon time. ठीक है, acceleration is equal to change in velocity upon time. अब change किसी भी चीज में कैसे express करते हैं, जो उसकी अभी की position है, जो उसकी पहले की position है, उन दोनों में जो difference है upon time. तो जो उसकी अभी की velocity है, जो पहले की velocity है, उन दोनों का difference minus upon time. Okay, that will be acceleration. Acceleration is change in velocity upon time. Okay. Ab yes, acceleration ma'am. Can be positive, negative or zero. ठीक है, तो acceleration is also a vector quantity. Acceleration. Is a vector quantity. Okay. Acceleration can be positive, negative, or zero. ठीक है, अब acceleration को हम क्या बोल रहे हैं? Final velocity minus initial velocity upon time. ठीक है, final velocity minus initial velocity upon time. ठीक है, अब suppose a object is moving. कोई भी व्हीकल है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट स्टॉप्स. ठीक है, सपोज अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट स्टॉप्स. ओके, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू. It is 30 kilometers per hour. Final velocity is denoted by v, that is zero, क्योंकि वो stop हो गया. ठीक है, और suppose इस procedure इसको 30 kilometers से zero के आने में उसको 2 seconds लगे, तो acceleration क्या हो जाएगा उसका? Zero minus 30 upon 2. If I'll convert it into kilometers, it will be 2 divided by 60 into 60. So minus 30 into 60 into 60 upon 2. So ye value kya aa rahi hai? Negative. Value to negative hi aa rahi hai. Theek hai na? So acceleration kab negative hoga? Jab final velocity is less than initial velocity. Whenever a moving body stops after application of brake or something, final velocity will obviously be less than initial velocity and acceleration will be negative. ठीक है, clear है? Acceleration negative कब है? Yes, no. Suppose a object is moving with same velocity. एक object है जो 30 kilometers per hour से की speed से ही move कर रहा है 1 hour तक. ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 30 किलोमीटर पर आ रहे, फाइनल वेलोसिटी भी 30 किलोमीटर पर आ रहे, तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. 30 माइनस 30 अपॉन 1, एक्सीलरेशन विल बी जीरो. सो व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? एक ही वेलोसिटी से चले जा रहे हैं, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो.
Okay. Yes. If final velocity is greater than initial velocity, कोई object है 20 kilometers per hour से चल रहा है, ठीक है, कुछ time बाद उसकी velocity 30 kilometers per hour हो गई, तो ये तो initial velocity हुई, ये final velocity हुई, इस केस में acceleration क्या हो जाएगा? Positive. 30 minus 20 अपॉन जो भी टाइम होगा वो, ठीक है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. क्लियर है? नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए एक और टर्म है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन. व्हाट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन कॉल्ड? रिटार्डेशन. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं? ओके, वन मोर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डू. सो पेज नंबर 103. एग्जांपल 8.4. ओके, अब है 8.4, पेज नंबर 103, यू कैन सी इन योर बुक. स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स. ठीक है, राहुल स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है उसकी बाइसिकल, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. व्हेनेवर एनी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. और कहां तक आ जाती है उसकी स्पीड? 6 मीटर पर सेकेंड तक. कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में. ठीक है, फिर है ये तो केस वन. अब ये बोल रहा है He applies brakes such that velocity of bicycle come down to 4 meter per second. अब केस टू में क्या हुआ? वो 6 मीटर पर सेकेंड से तो चल रही थी, ठीक है, और अब वो 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गई. तो केस टू में तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और इस चीज को कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स. कैलकुलेट एक्सीलरेशन इन बोथ द केसेस. अब हमको दोनों केसेस का एक्सीलरेशन निकालना है. तो फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन हो जाएगा a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t. ओके, v इज 6 माइनस 0 बाय 30, 6 बाय 30 दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड. दूसरे केस में a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t. v है कितना है v सेकेंड केस में? फोर. मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे, देखो ना मेरी स्लाइड पे, आई हैव रिटन हियर v इज 4, u इज 6 एंड टाइम इज 5, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, सो इट इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन वी हैव नॉट डिस्कस्ड. ओके, आई विल डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो. एक्सीलरेशन इज ए वैक्टर क्वांटिटी, दिस वी हैव. ओके, एक्सीलरेशन इज वैक्टर क्वांटिटी मीन्स वी स्पेसिफाई बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जब हम एक्सीलरेशन को बोलते हैं तो एक्सीलरेशन के साथ डायरेक्शन भी मेंशन होती है, मतलब एक्सीलरेशन इज ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सेकेंडली, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यस मैम. तो ये हो गया ये वाला न्यूमेरिकल. ठीक है, पेज 103, एग्जाम्पल 8.4. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.